भैया रमैया बसा भैया, रमैया बसा भैया, रमैया बसा भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बसा भैया, भैया रमैया बसा भैया, मैंने दिल तुझको दिया। सुन लिया मैंने। अरे उड़ा दिए ना गर्दा, एकदम छप्पर तोड़ परफॉर्मेंस देके। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, वो क्या है कि टैलेंट तो सब में होता है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। अबे मोम भी यही कहती है, इसलिए तो हम यहाँ सिंगर बनने आया हूँ, वो भी बेस्ट वाले। लेकिन सारा प्लान लूल हो गया, अब हम इंडियाज गॉट टैलेंट में कबहू नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे, तुम ट्राई तो कर सकते हो ना। अरे पार्टनर वा नहीं है ना हमारे पास। अरे बिना पार्टनर वा का एंट्री की भैंस की पूछ हो गई। अरे पर इंडियाज गॉट टैलेंट पे तुम अकेले भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पार्टनर होना ही चाहिए। अरे नहीं 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 मैडम, वो बिना पार्टनर वा का ना हमारा सब काम लूज हो जाता है। और वो कहा है कि हम डुएट गाने वाले कलाकार है, मेल फीमेल वाला गाना गाते हैं ना, अकेले मजा नहीं ना आता। और जब मजा नहीं आएगा तो कला कहाँ से बाहर आएगी, कला बाहर नहीं आएगी तो हम जीतेंगे कैसे, और हम जीतेंगे नहीं तो हम जिंदगी में क्या करेंगे। इसलिए तो मैडम हम सुसाइड करने जा रहे थे और आप है कि हमको रोक दिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊंगी। मैं सिखाऊंगी तुम्हें सिंगिंग। अच्छी आप हमें सिखाएंगी, आपको गाना आता है? हाँ मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा, तो वैसे हम आपको बता दें कि हम बहुत है जोरदार लल्लन टॉप टाइप के सिंगर हैं, आप हमारे साथ जोड़ी जमा पाएंगी? हाँ शायद ट्राई करूंगी, पक्की कोशिश करूंगी। महेश की पूंछ, इसका मतलब आप हमारे लिए साक्षात सरस्वती जी का रूप है हमारे लिए। बजरंग बली, आपने हमारी सुन ली बजरंग बली, थांकू 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 बजरंग बली, थांकू वेरी मच। अरे भक्त साला किशनवा, तू तो एकदम भैंस की पूंछ है रे। पार्टनर वा तो मिल गया, लेकिन अब रहने की जगह कहाँ से जुगाड़े, पैसा नहीं ना है तो पहले नौकरी ढूंढना होगा, उसके बाद पैसा जोड़ेंगे, फिर हम रहने की जगह लेंगे, फिर हम इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए प्रैक्टिस वा शुरू करेंगे। अरे भैया, लेकिन तब तक वो ऑडिशन का डेट वा ही निकल जाएगा। अब देखो देखो, तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। एक काम कर सकते हैं, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम मेरे साथ मेरी बाड़ी में रह सकते हो, चलेगा? अरे नहीं नहीं मैडम, पूरा पटना जानता है कि किशन कुमार कभी एहसान नहीं लेता है। पर किशन, जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम रहोगे कहाँ? अरे मैडम, आपको हमारा नाम कैसे पता? कहीं आप सच्ची मुच्ची की देवी तो नहीं है ना? नहीं, बस ऐसे ही गेस किया। वैसे मेरा नाम स्वरा है। नमस्ते, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, स्वरा, सुरों से सजे स्वरा। अब चलो। अरे नहीं नहीं मैडम, हम कुवारी कन्या के साथ कहीं नहीं जाते, बजरंगबली नाराज हो जाएंगे। आप जाइए, आप जाइए, हम यहाँ सड़क पर हम लेट के हम अपना घर बना लेंगे। किशन देखो, यहाँ पर ऐसे सड़क पर सोना सेफ नहीं है, तुम चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। अब आप इतना प्रेशर वा डाल रही है तो किशन कुमार थोड़े ही ना भैंस की पूछ है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी तब आप हमसे पैसा लेंगी, और तब तक हम आपके सारे घर का काम काज में हेल्पिंग हैंड करेंगे।
मतलब हाथ बताओगे? अरे बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको। चलो इसी बात पे हैंड शेक करो और कहो कि मंजूर है। ठीक है। हम किशन कुमार फ्रॉम पटना, अब चले। अब ये ले लो। हाँ तब चले। अरे ये दिल ना होता आवारा, कदम ना होते बेचारा। अरे बहुत दयालु है आप दादी अम्मा। उठ उठ उठ, बहुत बड़का हार्ट है आपका। अरे बजरंग बली आपकी हर विश पूरी करे। आप हमको यहाँ रहने की जगह दी, अब आप देखना हम लाइफ टाइम आपका पैर धो के पिएंगे, हम आपको बता रहे हैं। बस 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 बस, बस हो गया। छोरी कौन है, बाल की दुकान अटके कर रहा है? छोरी दादी ये किशन है। किशन नाम पटना, पूरा बताइए ना। हाँ किशन पटना से है। इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करने आए। वो हमारी मोम का सपना है, वही ये पूरा करने आए। मोम? मोम किशन मोम होता है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं हम, मोम। इट्स ओके। माँ बाबा किशन को इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करवाने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। हाँ वैसे तो हम गाते बहुत ही बढ़िया है, गाने में कोनो कमी नहीं है, लेकिन हमारी मोम कहती है कि सीखने की कोनो उम्र नहीं होती है, इसलिए सोना जी से भी सीख लेंगे हम थोड़ा। वैसे स्वरा जी हम आपको मैडम ना कहकर स्वरा जी कहे तो आप बुरा तो ना मानिएगा ना? नहीं तुम जो चाहे वो कह सकते। इसलिए हमका ये शहर बहुत पसंद है, यहाँ पर किसी का नखरा नहीं होता ना। माँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना किशन को कुछ दिन के लिए दीदा के यहाँ रहने दे। जब तक उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तब तक। और हाँ हम यहाँ का सारा काम भी कर लेगा। अरे एकदम हेल्पिंग हैंड बन जाएगा हम। ना ना बाबा वाकई कोई जरूरत ना है। रहने दीजिए ना, देखिए बेचारा है, रहने की जगह नहीं है, इसके लिए कुछ अच्छा करेंगे तो पुण्य आपको ही मिल जाएगा। हो गया क्या शर्मिष्ठा, समझाई आपको? अरे थारी माँ का घर कोई अनाथ आश्रम है क्या कि जिस किसी दुखियारे को वहां पर रख देंगे? अरे ऐसे कई शहरों से भोले भाले दिखने वाले लोग आते हैं और लूटपाट मचा देते हैं, ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं? माँ माना कि ऐसा होता है मगर ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, माँ नहीं मान रही है। प्लीज दादी मान जाइए ना।